आपके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे हैं। पुणे में आपके खिलाफ FIR के लिए लोगों ने जुलूस निकाला था, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने ये नारे लगाए, इस तरीके के नारे लगाए। तो अभी यह देश तो संविधान से चलता है, बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान पर हमारा पूरा भरोसा है, देश की न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा है, महाराष्ट्र सरकार पर भी भरोसा है, क्योंकि सरकार ने भी हमको यहां सुरक्षा दी हुई है। तो फिर जो चल रहा है, भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा है, और जनता को समाज को जागृत करना ये हमारा कर्तव्य समझते हैं, तो जो हम कर रहे हैं। अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अपने हाथ में नहीं है। इस तरह के नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, क्या ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप इस तरीके का? नहीं लगाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा नहीं लगाना चाहिए, और जो जिम्मेदार उन लोगों में लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। एक अलग पर्सपेक्टिव भी इसमें कई नेता जो हैं दूसरे राजनीतिक दलों के कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए जानबूझ के किसी पार्टी के बहकावे में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश में जो हुआ उन मुसलमानों को बोलो कि आपने हिंदुओं पर अत्याचार उसी समय क्यों किया, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं। बात तो इलेक्शन की थी नहीं, और हम तो पूरे राजनीति से परे हैं। आज तक हमारा इतिहास में ऐसा कोई भी बात हमने कही नहीं है किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के भी लोग आते हैं, राष्ट्रवादी के लोग आते हैं, सेना के लोग आते हैं, भारतीय जनता पक्ष के लोग आते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले लोग आते हैं और आध्यात्मिक कार्य करने वाले लोग आते हैं। तो ये बात तो है नहीं, क्योंकि भक्तों तो हमारे सभी विपक्ष के हैं और आज तक हमने किसी पक्ष के बाजू तो हमने कुछ ली नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये जो बात निकली है वो उसी से निकली है, बांग्लादेश से जो हुआ है उससे बात निकली है, उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये बात इसलिए विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं क्योंकि उसी सप्ताह में, जिस सप्ताह में आपने ये कहा था, जो जिसके बाद विवाद हो गया, उसी सप्ताह में मुख्यमंत्री आपके मंच पे आए, उन्होंने कहा कि आपके केस को भी कोई छू नहीं सकता, आपके बाल को भी कोई छू नहीं सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए बातें जो है कही जा रही है कि कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आके तो आपने ये बातें नहीं कही? नहीं, हमारे यहां सप्ताह में हर साल लोग आते हैं और सभी पक्ष के लोग आते हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत बार आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं और हर पक्ष के लोग आ चुके हैं, इसके यह अर्थ नहीं होता है। और वो मुख्यमंत्री आए हैं तो अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं तो उनको शुक्र अदा करता हूं। मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, और भी कोई आ होता और वो यदि ऐसी बात कहता तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। नीतीश राणा ने जिस तरीके से आपके समर्थन में रैली निकाली और उसके बाद जो मंच से बयान दिया, घुस के मारने की बात कही कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे अगर रामगिरी महाराज के बारे में कुछ भी बोला, तो उस बयान को कैसे देखते हैं? उसके बाद भी एक माहौल और खराब हुआ है। नहीं, अब लोगों की भावनाएं हैं और भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, उससे मेरा तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमारे कार्यक्रम में जा रहा हूं, कार्यक्रम चल रहा है, यहां की कथा प्रवचन की परंपरा रही है, गंगागिरी महाराज ने जो यहां परंपरा शुरू की, 200 साल की यह परंपरा है और इस स्थान से 1200 गांव जुड़े हुए हैं और साल में उन गांव तक हमें पहुंचना होता है और इसलिए पूरा साल हमारा व्यस्त रहता है और उस व्यस्तता में आज भी हम हैं और वो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, इसलिए किसी बात पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी यह है कि कानून के हिसाब से जो होगा तो उनके लिए अब हम भी कुछ वकील लगाएंगे और वो बातचीत चलती रहेगी और जो कानून कहेगा वो तो हमें कबूल ही मान्य है, क्योंकि देश कानून से चलता है। बाबा साहब पर मेरा भी भरोसा है जिन्होंने कानून लिखा है और कानून का अमल होना चाहिए, उन लोगों ने भी कानून का ही अमल करना चाहिए। तो नीतीश, जब कानून की बात करें तो नीतीश राणे विधायक हैं, सरकार उनकी पार्टी की है, वो जब इस तरीके का बयान करते हैं, आपके समर्थन में आए और इस तरीके का बयान वो दे के गए, उसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या कहते हैं कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? नहीं, ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिया है तो वो उनको प्रश्न उनको पूछना चाहिए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।
ऐसे बयान का समर्थन करते हैं आप? नहीं, ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते। अभी AIMIM जो है वो आपके बयान को लेके काफी आक्रोशित है और काफी वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन चल भी रहा है, और कह रहे हैं कि 5 दिनों में अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे मुस्लिम समाज जो है वो मुंबई की तरफ कूच करेगा। और सबको आह्वान किया है जो MIM के महाराष्ट्र के प्रमुख हैं कि सब लोग अपने अपने गाड़ी और इसका इंतजाम कीजिए, हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे 5 दिनों के अंदर अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। नहीं, अपनी ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी, यदि ऐसा कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग गिरफ्तारी होगी, उनके मौलाना भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये भी तो भड़को बयान था जी, तो उनको उनके कहा गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो मत मैंने व्यक्त किया है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ, महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा ZPlus कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्जाम उनके ऊपर डाल सकती है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है? ये पूरा सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेकर आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या आप कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे क्या? हाँ, मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करता, भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो माफ करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुखदर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, और जो सज्जन मुखदर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है, जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुई हुआ है जी। तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए ऐसा ना हो। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और बस वो बात, वो चर्चा हो गई। आप उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य ये कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से यह कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने नहीं करना चाहिए, हम राजनीति से दूर है।